हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक मैं नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, प्लांट डिजीजेस पार्ट वन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये टॉपिक आपका गेट के लिए, सीएसआई नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सीएसआई नेट में सेक्शन सी में इससे एक क्वेश्चन मिल जाएगा 4 नंबर का, और आप गेट लाइफ साइंसेस के एस्पिरेंट हैं तो आपको डेफिनेटली बॉटनी सेक्शन में एक क्वेश्चन एवरी ईयर आपको मिल जाएगा। टॉपिक में आपको सिंपली क्रॉप, उसकी डिजीज और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है। जैसे पोटैटो के केस में हम देखें तो 3 इंपॉर्टेंट डिजीजेस है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, स्कैब ऑफ पोटैटो और अर्ली ब्लाइट। जैसे लेट ब्लाइट का पैथोजन है फाइटोप्थोरा, स्कैब का एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोमाइसिस, अर्ली ब्लाइट एक फंगल डिजीज है जिसका पैथोजन है अल्टरनेरिया। आपको सिंपली इस टेबल को 1 और 2 बार रिवाइज करना है, आपको ये इजीली याद रह जाएगा। राइस के केस में अगर हम देखें तो बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है वो सेंथोमोनास की वजह से होता है, शीत ब्लाइट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो राइजेक्टोनिया है, लीफ स्मट जो है वो एंटाइलोमा ओराइजी की वजह से होता है, और अगर हम वीट को कंसिडर करें तो 2 इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, रस्ट ऑफ वीट जो पक्सिनिया की वेरियस स्पीसीज की वजह से होता है, और कनाल बंट ऑफ वीट जो हमारा नेबोसिया इंडिका की वजह से होता है। और अगर हम डाउनी मिल्डी की बात करें तो ये क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है, ये वेरी कर सकती है हर क्रॉप में, और इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एक है परनोस्पोरा और दूसरा है स्क्लेरोथोरा। आप इस टेबल को 1 या 2 टाइम आराम से रिवाइज करिए, आपको ये ईजीली लर्न हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन सी में इस ईयर फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन आया हुआ था। देखो कितना सिंपल है, बैक्टीरियल ब्लाइट जो है हमारा सेंथोमोनास ओराइजी की वजह से होता है, हमने अभी देखा। शीत ब्लाइट ऑफ राइस हमारा राइजेक्टोनिया सोलेनाई की वजह से होता है, डाउनी मिल्ड्यू हमारा स्क्लेरोप्थोरा की वजह से होता है। तो ए का है हमारा थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड आपको लास्ट में मिलेगा और इसमें मिलेगा सेकेंड वाले में। आप डाउनी मिल्ड्यू का है स्क्लेरोप्थोरा, ई का फोर्थ केवल इस ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन इस तरीके से हो गया ये वाला सी वाला। ये क्वेश्चन हमारा गेट 22 लाइफ साइंस में पूछा गया है बॉटनी सेक्शन में। जैसे करनाल बर्ड मैंने आपको बताया था कि वीट की डिजीज़ है और ये नेवोशिया इंडिका की वजह से होता है, सो पी का थर्ड एंड डी, सो पी का थर्ड डी आपको बी सेक्शन बी में एंड सी में मिलेगा। और लेट ब्लाइट ऑफ हमने बताया था कि फाइटोप्थोरा की वजह से होता है और पोटैटो में होता है, तो आर का फर्स्ट एंड बी, आर का फर्स्ट एंड बी। सो इतने सिंपली ये सॉल्व हो गया हमारा सेक्शन, जो आंसर नंबर हमारा सही होगा वो सी सही होगा। तो आप इजीली 1 या 2 डिजीज में आपको नोन है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।